हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की जीवन यात्रा के बारे में बात करेंगे। एक महान व्यक्ति जिन्हें परिचय की कोई जरूरत नहीं है। अर्नोल्ड की कहानी सबसे प्रेरणादायक है और ये कहने का एक आदर्श उदाहरण है कि सपने हकीकत में बदल जाते हैं अगर आप उनके लिए सही काम करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कड़ी मेहनत के महत्व पर एक कहानी बताना चाहते हैं जो जीवन में कुछ भी हासिल करने में मदद करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 30 जुलाई 1947 को पैदा हुए अर्नोल्ड अलॉयज श्वार्ज़नेगर गुस्ताव श्वार्ज़नेगर और ऑरेलिया श्वार्ज़नेगर के दूसरे सुपुत्र थे। अर्नोल्ड मूल रूप से ग्राज ऑस्ट्रिया से हैं, जहां उनके पिता लोकल पुलिस चीफ थे और वे चाहते थे कि अर्नोल्ड भी पुलिस फोर्स या मिलिट्री में शामिल हो, लेकिन वे सेना में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि वो उनका सपना नहीं था। इसलिए उनके पिता हमेशा अर्नोल्ड के बड़े भाई मिनी हार्ड को प्राथमिकता देते थे। अर्नोल्ड के लिए बचपन एक दुःस्वप्न से कम नहीं था क्योंकि उनके पिता उन्हें शारीरिक प्रताड़ना देते थे, जैसे उनके बालों को खींचना और बेल्ट से पिटाई करना। इन परिस्थितियों ने अर्नोल्ड को जल्द से जल्द ऑस्ट्रिया से बाहर जाने के लिए मजबूर किया और उनका ये उद्देश्य था कि वे अमीर होकर अपने जीवन में कुछ प्राप्त करें। अर्नोल्ड विद्यालय में एकेडमिकली एवरेज थे, लेकिन खेल में बहुत अच्छे थे और वो अपनी सॉकर टीम का हिस्सा थे। 1960 में जब युवा अर्नोल्ड ने अपने सॉकर कोच के मार्गदर्शन में एक सॉकर अभ्यास के हिस्से के रूप में पहली बार एक स्थानीय जिम में बारबेल उठाया था, तब अर्नोल्ड को जिम से प्यार हो गया और वे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने सॉकर छोड़ दिया और 14 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग को करियर के रूप में अपनाने का फैसला किया। वे बॉडी बिल्डिंग के लिए इतना समर्पित हो गए कि वीकेंड पर जब जिम बंद रहता था तो वो जिम जाने लगे ताकि वे ठीक से ट्रेनिंग कर सकें। अर्नोल्ड ने एक बार कहा था कि अगर मैं वर्कआउट छोड़ता तो बीमार बन जाता और अगली सुबह खुद को दर्पण में नहीं देख पाता। उन्होंने एक बार एक विशाल और महान बॉडी बिल्डर रिग पार्क का फोटो एक मैगजीन कवर पर देखा था। कवर फोटो को देखकर अर्नोल्ड इतने मोहित हो गए कि उन्होंने रिग पार्क की पूरी कहानी पढ़ी कि कैसे वो एक बॉडी बिल्डर बना और फिर एक अभिनेता में बदल गया। अर्नोल्ड ने भी फैसला कर लिया कि यदि रिग पार्क ऐसा कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकता। ये अर्नोल्ड के जीवन में एक किक मोमेंट था जब वो जीवन को गंभीरता से लेने लगा और सर्वकालीन रूप से सबसे बड़ा और सबसे अमीर बॉडी बिल्डर बनने का मजबूत दृष्टिकोण रखने लगा। इस दृष्टि को वास्तविकता में बदलने के लिए अर्नोल्ड को पता था कि उनके अमेरिका जाने के लिए ये महत्वपूर्ण है। सभी 18 वर्षियों के लिए ऑस्ट्रिया में सेना की सेवा करने की आवश्यकता होती है और श्वार्ज़नेगर ने भी ऐसा ही किया था। इसके साथ ही वे बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे और जूनियर मिस्टर यूरोप प्रतियोगिता जीती। 1966 में चार्ल्स बेनेट ने अर्नोल्ड के शरीर से प्रभावित होकर अपने लंदन के जिम में अर्नोल्ड को प्रशिक्षित करने का फैसला किया। ये वास्तव में श्वार्ज़नेगर के लिए एक जिंदगी बदलने वाला अनुभव था। हार्डकोर ट्रेनिंग से गुजरने के बाद 1967 में अर्नी ने 20 साल की उम्र में अपनी पहली बार मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीता, जिससे उन्हें उस खिताब का सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता बनाया गया और ये 3 और जीत के लिए जारी रहा। इस समय के दौरान जो वेल्डर, जिनका अमेरिकी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में एक सबसे बड़ा नाम था, उन्होंने अर्नी को देखा और अमेरिका आने के लिए कहा और गोल्ड जिम में ट्रेनिंग की पेशकश की। यह अर्नोल्ड के लिए एक और किक मोमेंट था। जैसा कि अमेरिका में आने का उनका सपना अंत में पूरा हुआ। रिक ग्रासिन और बिली ग्राहम जैसे पेशेवरों के साथ प्रशिक्षण लेते हुए अर्नोल्ड ने 23 साल की उम्र में न्यूयॉर्क में अपना पहला मिस्टर ओलंपिया टाइटल जीता था, जो कि आज भी रिकॉर्ड में है। इसके बाद श्वार्ज़नेगर वापस नहीं लौटे और उन्होंने 7 बार ये टाइटल जीता। ओलंपिया जीतने के बाद अर्नोल्ड ने एक अभिनेता बनने पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन उनके लिए रास्ता फिर से आसान नहीं था क्योंकि उन्हें अपनी विशाल काया और गैर अमेरिकी उच्चारण के कारण हमेशा भूमिकाओं के लिए खारिज कर दिया गया था। लेकिन कुछ भी हो, उन्होंने पीछे जाने का फैसला नहीं किया। उन्होंने अभिनय ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया और अपने उच्चारण को सुधारने के लिए काम किया। अंत में उन्होंने 1970 में हरक्यूलिस की भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उनकी काफी उल्लेखनीय बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म्स स्वॉर्ड एंड सॉकरी और 1982 में कॉनन द बारबेरियन थी। द टर्मिनेटर की बड़ी सफलता के बाद अर्नोल्ड उस समय हॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन हीरो बन गए।
अर्नोल्ड के लिए सिर्फ बॉडी बिल्डिंग और अभिनय की दुनिया को जीतना ही मकसद नहीं था। फिर उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने 1990 से 1993 तक फिजिकल फिटनेस एंड स्पोर्ट्स पर प्रेसिडेंट्स काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभाई। अक्टूबर 7, 2003 को अर्नोल्ड को कैलिफोर्निया के गवर्नर के रूप में 14 लाख से भी अधिक वोटों से चुना गया, जो उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। ऐसा कहा जाता है कि अर्नोल्ड ने अपने गवर्नर के वेतन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कैलिफोर्निया की सेवा के साथ कोई वेतन नहीं लिया। फिर से 2006 में अर्नोल्ड ने कैलिफोर्निया के गवर्नर के रूप में कुल वोटों के 56% से पुनः चुनाव में जीत हासिल की। रास्ते में कई अस्वीकृति और बाधाओं के बावजूद श्वार्ज़नेगर अपने जीवन में महान ऊंचाइयों को प्राप्त करने में कामयाब रहे। अब भी वे लोगों को सार्वजनिक तौर पर प्रेरित करते हैं और दैनिक जीवन में फिटनेस के महत्व को जागृत करते हैं। उन्होंने एक बार कहा था, आप जीतने के लिए पैदा हुए, लेकिन एक विजेता होने के लिए आपको जीतने की योजना बनाने के साथ साथ जीतने की तैयारी करते रहना चाहिए और जीतने की उम्मीद रखनी चाहिए। अर्नोल्ड सबसे बड़े और अच्छे बॉडी बिल्डर हैं और हमेशा रहेंगे। वो कड़ी मेहनत के प्रतीक हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो को पसंद करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमारे चैनल के और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।